देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सद्भावना समिति द्वारा रविवार को नसीराबाद स्थित समिति सभागार में आज के परिवेश में मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रासंगिकता विषय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुधाकर पांडे, पूर्व पार्षद हाजी तरोवर हुसैन, धर्मेंद्र कुमार प्रजापति, हरेंद्र शाह, मुर्तुजा हुसैन सहित समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी देश के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी संघर्ष और बलिदान युगों युगों तक याद की जाती रहेगी। कार्यक्रम कोई भी हो, ये मालूम होगा अगर वहाँ पे किसी ने कहा कि आगे बैठ जाइए, ये इतनी मोहब्बत है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोगों ने तो इसी तरह की शख्सियत को बार बार इस धरती पर भेजा करो, क्योंकि इतिहास रचना, इतिहास लिखना और इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए वो कलम भी छोटी पड़ जाए मिसाल का निर्माण किया।